जो पूरा डिजाइनिंग है पेपर के ऊपर करी गई है कलर के ऊपर से, तो यार 700 के हिसाब से काफी अच्छी हाइट है गाइस देखो। और ये जो 10 मुंह वाला रावण है, 4 इस तरफ है, एक बीच में ये, और फिर 5 वो है भाई। नितिन क्या उठ नहीं रहा भाई, उठ नहीं रहा, बहुत ज्यादा भारी है भाई। ले लो अंकल जी रावण, यहाँ से रावण लेने आया था। नितिन भाई तो गाइस फाइनली आज मैं बना रहा हूँ कुलचे, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि डाइटिंग वाइटिंग पे तो मैं चल ही रहा हूँ, तो भाई मेरे कुलचे वाले कस्टमाइज कर रहे हैं, नवरात्रि चल रहा है तो प्याज व्याज में खाने का। नितिन आज डप्पा हो गया, आज डप्पा हो गया भाई ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन कोई ना भाई, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूँ गुड़गांव, मैं गुड़गांव में खड़ा हूँ ना भाई, तो गुड़गांव में आज मैं आया हूँ रावण की मार्केट दिखाने। भाई लोगों ने हजारों की लाखों वीडियो डाल रखी है रजौरी गार्डन की, लेकिन रजौरी गार्डन में सस्ते नहीं मिलते, ऐसे भी सस्ते गुड़गांव में मिलते हैं। तो आज पहला बंदा होगा तुम्हारा भाई जो वीडियो बना रहा है। फिलहाल पहले हम यहाँ पे थोड़ी पेट पूजा करेंगे, क्योंकि भूख लग रही है और हम नाश्ता करके नहीं आए बिल्कुल। फिलहाल पहले मैं अपने यहाँ पे कुलचे से सेक लूँ, थोड़े करारे हो जाएंगे, उसके बाद इसको मैं अपने पेट में डालूंगा। मैं जब कभी भी ऐसे बाहर निकलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्ट्रीट वाले ढाबे होते हैं इनका खाना खाऊं, क्योंकि उनका स्वाद एक नंबर होता है। और यहाँ पे भी छोले कुलचे का अलग ही स्वाद है, और मैंने छोले कस्टमाइज करवाए थे बिना प्याज वाले, फिर भी बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है। और अभी नाश्ता हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट डन, तो हम चल रहे हैं अभी मार्केट एक्सप्लोर करने। वीडियो पूरी ध्यान से देखना, एक दुकान में चलेंगे, रेट लेंगे रावण होगा कि क्या क्या कितने कितने रुपए का, और कैसी कैसी क्वालिटी मिल जाएगी। फिलहाल मैं भी आ गया हूँ लोकेशन पे, और मेरे पीछे देखो ये वाली जगह है, मेरे पीछे आपको रावण भी दिख रहे होंगे, और मैं जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहली दुकान ये है, सबसे आखिरी कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक ये पूरी मार्केट है, और सबसे आखिरी दुकान पे भी मैं तुम्हें पूरा ले जाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले इनको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ढंग से। पे आपको ऐसे लगे हुए देखो फेस मिल जाएंगे, ये फेस काफी बड़े बड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट मेरी कमर से ऊंचा साइज है। एक ये लगा पड़े, एक ये लगा पड़े, एक ये लगा पड़े, और यहाँ पे देखो ऐसे पूरा का पूरा काम होता है। यहाँ पे फिलहाल लॉक लग रहा है, तो कितने का पड़ेगा ये वाला अंकल जी? ये वाला ये 1500 रुपए का। 1500 रुपए का इतनी बड़ी हाइट का, मतलब ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट से तो बड़ा होगा गाइस। देखो यहाँ से लेकर के पूरा वहां तक 1500 रुपए का पड़ जाएगा। एक बारी खड़ा करके दिखा दो जरा कैसा है। तो ये देखो, मतलब इतना बड़ा रावण 1500 तक का पड़ जाएगा। अच्छा गर्दन आएगी, फिर बढ़ेगा, पैर भी बढ़वाओगे? पैर कोई बढ़वाएगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा 1500 रुपए में पूरा पड़ जाएगा है। और कागज डिजाइन जो बोलेंगे हम वो कर दोगे। चलो तो ये फिलहाल पूरा सामान है यहाँ पे, और ये सबसे कम कितने का होगा वैसे आपके पास? 500 रुपए का। कौन सा वाला है? वाला फिलहाल अंकल जी ने बताया आपको पड़ जाएगा 500 रुपए कुछ का। तो यार 500 रुपए कुछ के हिसाब से भी वर्थ है भाई, काफी ज्यादा बड़ा है। अंकल जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे पूरा इनका स्टॉक पड़ा हुआ है रेडी, तो एक बार रेट बता दूं। 4000 रुपए तक का, कम से कम, कम से कम है। कौन सा वाला है 4000 का? 4000 रुपए का ये भी, ये भी। अच्छा ये वाला जो पीछे लगा पड़ा है, और ये वाला, ये वाला कितने का है? वाह काफी तगड़ा मुंह है भाई, ये खुद बनाया वैसे आपने? मैंने ही बनाया। अच्छा खुद बनाते हो, हर साल खुद बनाते हो? हाँ। और ये देखो गाइस ये भी लगे पड़े, और ये वाले कितने के होंगे भैया वैसे? 700 रुपए के। 700 रुपए के ये जितने भी लगे पड़े है। यार 700 के हिसाब से काफी अच्छी हाइट है गाइस देखो, मतलब पैर से लेकर के ऑलमोस्ट यहाँ तक, और अभी सर लग के इतना ऊंचा तो जाएगा है, इतना ऊंचा मतलब ये मेरी हाइट से ऊंचा जाएगा, और जो मेरी हाइट से ऊंचा जाएगा रावण वो सिर्फ 700 रुपए का मिल रहा, तो यार काफी सस्ता है यहाँ पे। और ये वाला कितने का पड़ेगा? ये 15 फुट का, ये वाला 15 फुट का, सर लगने के बाद 15 फुट होगा। अच्छा कितने का पड़ेगा ये? हो जाएगा 8000 रुपए। 8000 रुपए का हो जाएगा है। तो ये देखो ऐसे रोडों पे इनकी पूरी बांसें फैली रहती है, और एक बारी मैं भी वहां लेके जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखो ये फिलहाल कुछ ऐसा लुक है इसका, नीचे से ये देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा, और ये पूरा का पूरा सिर्फ 25000 रुपए बोल रहे, और 25000 रुपए बोल रहे तो आपको यहाँ पे बार्गेनिंग जरूर करनी है। क्या बोलते हो बंटी भाई? मेरी नजर में बार्गेनिंग जरूर करनी है ना भाई, दिल्ली वाले हैं, बार्गेनिंग हर जगह करनी है, ठीक है? बंटी भाई ने भी करी है, मैंने भी करी है, खूब दिल्ली में खूब बार्गेनिंग करो, ठीक है? तो ये फिलहाल अंकल जी का नंबर है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको अंकल जी से बात करनी है। और रावण मिल जाएंगे अंकल जी सारे के सारे हैं, जो उनसा मर्जी डिजाइन कस्टमाइज कराना हो कर दोगे आप। भी मैं तुम्हें बता दूंगा, सरप्राइज वाली बात ये है कि मैं अपने लिए कस्टमाइज करवा रहा हूँ एक रावण, ठीक है? तो जो मैं अपने लिए रावण कस्टमाइज कराऊंगा तो वीडियो पूरी ध्यान से देखना, तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन सा वाला लेके जा रहा हूँ। और एक बार ये वाला रावण देखो, तुम्हें लग जाएगा कि कितना खतरनाक आइटम है यहाँ पे, मतलब इसकी हाइट ऑलमोस्ट मेरी हाइट से ज्यादा बड़ा है इसका सिर्फ सर, और इसका फेस भी सबसे अटके लगा है, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका फेस देखो, मतलब आंखों में जो कारीगरी करी गई है ना उसका एक नंबर पैसा, मतलब एक नंबर खतरनाक सीन लग रहा है भाई। जो पूरा डिजाइनिंग है पेपर के ऊपर करी गई है कलर के ऊपर से, तो भाई कारीगर को फुल 100 में से 150 नंबर, फुल खतरनाक फेस लग रहा है एकदम से। पूरा एरिया में मैं आया हूँ, यहाँ पे रावणों पे लग रहे हैं फिलहाल पेपर, तो आपको एक बार पेपर कैसे लगते हैं ये दिखा। भैया जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, भैया जी कौन सी गोंद यूज कर रहे हो वैसे आप? ये आरा रोड है, आरा रोड की गोंद है ये? हाँ
सुहारा रोड को पका पका के बनाई आपने? हाँ जी, पका। चलो पेपर लगा रहे हो आप? एक बार पेपर कैसे लगा रहे हो ये दिखाओ मेरे को जल्दी सबको। आपने पूरे पेपर पे गोंद लगा दी? पूरा पेपर ऐसी कैसे चिपकवा दोगे इसके ऊपर? है तो ये लो, ये गया पेपर, ये जा करके इसके ऊपर चिपक जाएगा पूरा का पूरा। है क्या बात, तो काफी सही है भाई, ये देखो टाइट हो गया अच्छा खासा। और इसके ऊपर अभी कितनी लेयरिंग और करोगे आप ऐसी पेपरों की? अच्छा डिजाइनिंग के ऊपर है। तो ये वाला रावण फिलहाल भैया ने बताया, इसकी हाइट कितने तक की होगी भैया? इसकी ऐसे हाइट पूरी लंबाई में पैर लगा कर ये 20 फीट का, 20 फीट का, 22 फीट का बनेगा, मतलब 20-22 का कहीं नहीं गया आराम से। अब कितने में छोड़ दोगे लास्ट? आप पैसा बता दो, एक ऐसा पैसा जो मजेदार हो। ये कम से कम 20-22 फीट का, 12-13 तक में छोड़ दोगे आप आराम से। और अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे पीछे देखो जितना भी है इनका पूरा सामान पड़ा हुआ है। तो ये जो है पूरी आरी वगैरह, ये पूरे बांस वगैरह जो यूज होते हैं। भाई बांस इंपोर्ट करवाते हो क्या पूरे के पूरे? अच्छा ऐसे डिजाइन बनाने का खुद ही कूट के सारा सेट करते हो। ये वाले पेपर देखो भाई, ये वाले कौन से पेपर है वैसे? पेपरों में क्या खास है इस वाले में? ऐसा नहीं, इसमें चीनी वगैरह आती है, चीनी होगी, सौंफ होगी। अच्छा ये सब आती है, तो बाद में पेपर अभी आप यहाँ यूज कर लेते हैं। बड़ी ज्यादा गर्मी है, मेरे पीछे पूरी की पूरी गोंद उबल रही है। भाई ये गोंद किस चीज की बनाते हो वैसे आप? मैदे की। अच्छा जो खाने वाला मैदा होता है उसको पानी में डाल के? क्या बात, मतलब पूरा लेप बना देते हो आप इसको, पका उसके बाद रेडी हो जाएगा भाई। अच्छी खासी हीट आ रही है, अच्छा दूरी हो जाते हैं, अच्छी खासी हीट आ रही है भाई। देख रहे हो आप कारीगरी होती है वो ऐसे होती है, मतलब प्रॉपर एक एक चीज हाथों से बनाई जाती है। यहाँ से देखो पूरा आधे घंटे से मैं चले जा रहा हूँ रोड पे, मार्केट खत्म होने को नहीं दे रही। बहुत ज्यादा बढ़िया, आप कभी भी आओ तो एक बंदे से लेने से पहले आप कम से कम 10 जगह रेट जरूर ले लेना, उसके बाद एक जगह से फाइनल करना। कलाकारी मतलब मेरे को तो ऐसे पूरा गुंजल सा दिख रहा है, लेकिन भाई ने पता नहीं कितने सारे जोड़ लगा रखे हैं। ये आँख है, ये है? जब बन जाए तब भयंकर लगेगा। तो अभी कोई रेडी करा है आपने जो भयंकर दिख रहा हो? भाई वो देख ले अभी। भाई एक नंबर डिजाइनिंग आ रही है देखो, मतलब इतना ऊंचा पूरा का पूरा भाई ने डिजाइन कर दिया। और ये मूछे भी आपने बनाई है जी। भाई के मूछ में बैठ के जा सकता हूँ मैं घर, इतना जाने भाई इसमें है। ये देखो भाई एक नंबर लग रहा है, मतलब काम चल रहा है इसके ऊपर है अभी। 5 दिन खा जाएगी आराम से, पूरी सुबह शाम लगोगे जब। 3 मंडी बनाई, बस 3 ही मंडी बनाई 15 दिन में। क्या बात, इसकी हाइट मतलब काफी ज्यादा है, ऐसी चौड़ाई में भी आराम से देख लो। ऐसे करके खड़ा हो ना तब भी भाई पूरा रावण बाहर दिख रहा है, काफी अच्छी खासी हाइट है भाई। क्लियरिटी है कुछ भी कहूँ कहना पड़ेगा भाई, बहुत सही है भाई ने मेहनत अच्छी करी भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी तक का एक नंबर राउंड लगा भाई, मेरे को क्लियरिटी तो बहुत झकास है यहाँ पे है, बहुत अच्छा भाई मेरे को, मतलब सही बता रहा हूँ क्वालिटी। कैसे सेम रावण है, चलो मैं न्यूज वाली लिस्ट में। लेकिन भाई कुछ भी कहूँ यहाँ के रावणों में मैं कहूँगा क्वालिटी सही में बहुत ज्यादा अच्छी है यार। नितिन क्या उठ नहीं रहा भाई, उठ नहीं रहा, बहुत ज्यादा भारी है भाई, बहुत ज्यादा भारी है। लेकिन कुछ भी कहूँ बहुत सही है, देखो काफी अच्छी खासी हाइट है यार इसकी। अब मेरे को ये बताओ यार कौन सा रावण लिया जाए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सोच के आता कि मेरी हाइट जितना रावण है ना वो ले लेंगे, अब देखते हैं कौन सा डोरेमोन वाला रावण मुझे पसंद आता है। ले लो अंकल जी रावण, यहाँ से रावण लेने आया था। लिटरली मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि मैं बाइक पे आ गया, क्योंकि भाई अकेले चल चल के आधे घंटे से मेरी हालत तो खराब हो गई है। देखो गाइस यहाँ से भी तुम्हें पूरे के पूरे रावण दिख जाएंगे मेरे लेफ्ट में, मतलब यहाँ भी बन रहे हैं पूरे, अंदर भी तुम्हें काफी अच्छा खासा माल मिल जाएगा इसके भी। देखो जैसे देख सकते हो यहाँ पे गुड़गांव में इस टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मतलब हदसे ज्यादा लू सी चल रही है एकदम। लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई ये सब ठंडा ठंडा पी पी के तुम्हारे लिए व्लॉगिंग कर रहा है, तो डेडिकेशन के लिए एक लाइक जरूर मार देना वीडियो में। अभी फिलहाल मैं आया हूँ मेन चौक पे आगे भाई, कम से कम आधी किलोमीटर और यहाँ पे भी फिलहाल मेरे पीछे देखो तो पूरे में यहाँ पे रावण लगे पड़े हैं, बड़े साइज के। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छोटे वाले इस लाइन पे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े हैं। ये वाली मुंडी देखो काफी ज्यादा भयंकर लग रही है भाई, ऑलमोस्ट मेरी हाइट से थोड़ी कम है। यहाँ के गाइस जो रावण है इनमें मतलब चमक चमक सी आ रही है, तो मैं देख रहा था ये कौन सा कलर है। ये वो वाला है ना जो दरवाजों पे करते हैं, जो दरवाजे वगैरह पे करते हैं वो वाला है। तो जल जाएगा ये वाला पेंट, जलने में दिक्कत नहीं आएगी इसको? जलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी है भाई, बहुत सही है देखो एकदम ही, मतलब वही मैं कहूँगा ऐसे चिपक चिपक सा रहा है और ये थोड़ा शाइनिंग कर रहा है, काफी ज्यादा सही है। यहाँ पे इन्होंने एक अलग ही अपनी अलग टेक्निक लगाई है, और इसके पीछे भी देखो इतना शाइन इसलिए मार रहा है क्योंकि जो दरवाजों में हमारे घरों पे पेंट होता है वो वाला पेंट इन्होंने यूज करा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमें अपने पीछे पूरे भाई लोग मिल गए, इन्होंने मुझे बताया कि गाइस आपको एक रावण दिखाता हूँ जो पूरा का पूरा दसवीं वाला है। देखो दसवीं वाला रावण यहाँ पे मेरे सामने है, मेरे दसवीं वाला रावण बहुत ही कम बनते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पे वो भी बन रहा है। और ये जो दसवीं वाला रावण है चार इस तरफ है, एक बीच में ये और फिर पांच वो है भाई, बहुत सही लग रहा है। इसमें भी पूरा वही वाला पेंट करा गया इन्होंने बताया, जो पूरा का पूरा शाइन मारता है वही वाला पेंट है ना, जो शाइन मारता है वही वाला। अच्छा और किस कौन से कारीगर ने बनाया ये?
हमने बनाया था। क्या बात भाई, एक नंबर लग रहा है आपका बनाया हुआ है। और ये देखो पीछे से एक बार लुक दिखाता हूँ इसकी। तो ये देखो गाइस, इसकी पूरी की पूरी दो मुंडी है और ये पीछे से भी बना हुआ है, देख रहे हो। मतलब पीछे से भी मुंह है, उस तरफ से भी मुंह है भाई, बहुत ही तगड़ा काम करा है। बुक हो चुका है, कितने का बिका वैसे ये वाला? किधर? 10,000 रुपए का ये वाला राउंड पूरा बुक हो चुका है, पूरा नीचे तक का ऊपर से। भाई मतलब बहुत सही है, देखो मतलब 10,000 रुपए में ये बुक हो गया। किसी और के लिए बना दोगे 10,000 रुपए में ऐसा? ये बुक हो जाएगा जी। क्या बात भाई, एक नंबर लग रहा है। देखो पूरा का पूरा यहाँ से लेके नीचे तक की ऊपर लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। मतलब 10,000 रुपए तक में ऐसा राउंड आराम से मिल जाएगा, 10 मुंह वाला। और इसकी पूरी हाइट कितनी होगी भाई बनने के बाद? 15 फीट के आसपास पूरी हाइट होगी बनने के बाद है। चलो और अभी दे देंगे ऑर्डर तो अभी बना दोगे? बना दोगे हैं। तो ये भाई का नंबर है, देखो ऊपर नंबर है, पूरा स्क्रीनशॉट लेके भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, एड्रेस भी यहाँ पे दिया है। डिलीवर करवा दोगे ना भाई? जी जी, दिल्ली में डिलीवर? चलो भाई साहब थैंक यू सो मच। फिलहाल मुझे तो यहाँ पे घूमते घूमते हो गया पूरा 3 से 4 घंटे, ठीक है, राउंडों के बीच में। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको जहाँ से भी शॉपिंग करनी हो कर लेना। 2-3 जो मुझे बढ़िया बंदे लगे मैंने उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। तो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ वहाँ से घर, क्योंकि अभी मुझे घर जाके एक और वीडियो बनानी है, ठीक है, जो कि आएगी इसके ठीक बाद। तो गाइस फिलहाल अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और मैं भी आ चुका हूँ अपने घर पे। और अभी तुम लोग देखो मतलब मेरा घर कैसा फैला रहता है, मतलब ये मेरा रूम है पूरा, ऐसे मचा के रखता हूँ पूरा फैला के जगह जगह। और ये मेरा लैपटॉप का बैग पड़ा है और ये मेरा फिलहाल लैपटॉप पड़ा और अभी चल रही है इसमें व्लॉग की एडिटिंग। और ये मेरे नाश्ते की प्लेट है, इसको इग्नोर करूं। लेकिन अभी फिलहाल मैं जा रहा हूं एक और अमेजिंग वीडियो बनाने, तो मैं सोचा चलो फटाफट से वाली वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। गाइस जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जाने वाला हूं राउंड लेने। मतलब मैंने वहां पे एक अपने लिए कस्टमाइज राउंड के लिए बोल दिया है, ऑर्डर जा चुका है, ठीक है, ढोल बज चुके हैं। 2 या 3 दिन में मैं वहां से डिलीवरी उठाने वाला हूं। और गाइस वो एक ऐसा राउंड होने वाला है जो कि आज तक यूट्यूब पे, तो मैं बता रहा हूं गारंटी, आज तक आया नहीं होगा। तो फटाफट वो वाली वीडियो देखने मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, रेड कलर का बटन दबा के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।